أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذو الجلال والاكرام. السلام عليكم اسٹوڈنٹس, آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ 2016 کا پارٹ 3 ہم سالو کریں گے, और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बाद में इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बरवक्त मिल सके. हमारे पास जो आज सवाल है वो है ए पावर 4 प्लस 64 बी स्क्वायर. ये जो सवालात क्लास बुक में दिए हुए हैं इनमें अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन सवाल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है और इसमें दो फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं. मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसको क्लोज डाउन करते हैं तो आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर. और एक फॉर्मूला आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका आंसर होता है a माइनस बी और a प्लस बी. तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे. जो तरीकाकार मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसको गौर से देखिएगा, a पावर 2 होल पावर 2. मैंने यहां पे बीच की वैल्यू छोड़ दी है, थोड़ा स्पेस दिया है और यहां पे लिख रहा हूं 8b पावर 2 होल पावर 2. अब मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं फॉर्मूले का 2, फिर फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर, फिर सेकंड वैल्यू 8b पावर 2 और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी. ये जो चीज है ये एक्चुअली इस सवाल में मौजूद नहीं है और ये मैंने इजाफी तौर पर लिखी है. अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं खुद से तो कोई चीज ऐड नहीं कर सकता, तो वही जो वैल्यू है इसको मैं माइनस करूंगा. मैं यहां पर यही चीज को माइनस कर देता हूं, 2 a पावर 2 8b स्क्वायर. तो अब मैंने जो चीज ऐड की वही चीज यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दी. ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं क्लोज डाउन करूंगा तो पहले मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर, ये प्लस की वैल्यू मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा, फिर ये जो मेरे पास जो सेकंड वैल्यू है वो ये मैं लूंगा 8b होल स्क्वायर. ये मैंने फॉर्मूला क्लोज डाउन कर दिया, माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 16a² b². अब a पावर 2 प्लस 8b पावर 2, यहां पे मैं रह गए 2 लिखना, 2 होल स्क्वायर माइनस 4ab होल स्क्वायर. अब जो ये वैल्यू है ये एज अ ए के तौर पे आ गई ए स्क्वायर और ये वैल्यू क्या हो गई बी के तौर पे हो गई. तो अब हम इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देंगे, ए पावर 2 प्लस 8b माइनस 4ab. ये माइनस में लिखा, अब मैं प्लस में लिखूंगा इसको, ए स्क्वायर प्लस 8b, बी के ऊपर स्क्वायर यहां पे मैं भूल गया, मैं यहां पे भी लगा रहा हूं, और प्लस 4ab. अब हम अरेंज करके लिख देंगे लास्ट स्टेप, ए पावर 2 माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, ए पावर 2 प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर. ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया. इसकी खूब प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा.
Thank you for watching my videos. Please do not forget like, share and subscribe my videos. If you have any comments, kindly inbox. We will try to resolve your problem. Thank you.